गुड मॉर्निंग है सभी को, और आप बज रहे हैं सुबह के 5:30। बताओ 5:30 पे इतनी धूप, इतना पॉल्यूशन है नेपाल के अंदर, बताइए आप। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। ये घर जाने की फीलिंग एक बहुत ही मस्त फीलिंग है, ठीक है, अच्छा लगता है घूमना, ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना, लेकिन उसके बाद वापसी की जो खुशी है वो एक अलग लेवल की है। और आज की जो डेट है, बताता हूँ आपको, आज डेट हो गई है आपकी 27 मई 2022, 27 मई 2022 को, यस 22 को हम एंटर किए थे नेपाल के अंदर, और 27 को आज बाहर निकल जाएंगे नेपाल से। अभी हमने कोई नया रूट नहीं लिया है, 25 किलोमीटर वापस जा रहे हैं पीछे की तरफ। 9B से एक जगह है, वहाँ से हम फिर एक नया हाईवे पकड़ लेंगे। अभी हमें 25 किलोमीटर पीछे आना है पोखरा की तरफ बेसिकली, तो पोखरा वाले हाईवे को पकड़ के ही जाएंगे, क्योंकि उसमें 2-3 रूट गूगल दिखा रहा है, बट मैं ज़्यादा विश्वास करता नहीं गूगल पे। तो मैंने सोचा कि जो हाईवे वाला रूट है हम उसी को पकड़ें, क्योंकि आज का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हाईवे पर रहूँगा तो मैं कवर कर भी सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं गाँव में दिक्कत आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज बिल्कुल भी अपने को दिक्कत नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, एक्सप्लोर नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, मुझे जाने दो। वाह, सुबह सुबह का ये माहौल, हाय 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 हाय, बस सब बढ़िया चल रहा है, चंगा है, एक नंबर का पंगा है भाई। अभी अपने को एकदम सीधे आना 16 किलोमीटर, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे 9B से, और 9B से फिर हम मुड़ जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है इंडिया 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 इंडिया। चलो मिलता हूँ फिर मैं आपसे आगे रोड पे। अभी नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता भी करना है, केले खा लिए हैं हमेशा की तरह, केले अपने फेवरेट हैं, पानी और केला, सुबह सुबह ये मिला, बस तो अपन ने लिया पेला। चलो फिर मिलता हूँ आपसे आगे। टिस्टुंग 23 किलोमीटर, बेट ये हमने एक नया रूट लिया है, गूगल जो सजेस्ट करा था उसको छोड़ दिया, हमने एक नया रूट लिया है बीरगंज के लिए। ये 9B जो है उसके आगे से एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, जो कि त्रिभुवन हाईवे कहलाता है। तो बेसिकली ये एक हाईवे है, त्रिभुवन हाईवे इसका नाम है, और इस हाईवे को हमने आज चूज़ किया है अपने सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि बीरगंज तक जाता है। वैसे भी बीच में से एक रूट था, वो भी 3.5 घंटे था, ये 4 घंटे था, हमने कहा हाईवे चलते हैं, रोड थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, ठीक है। इस पर ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, ट्रैफिक बहुत कम है। जस्ट मैंने अभी एक टी ब्रेक लिया छोटा सा, और बस अब यहाँ से निकल गए हैं, अब शायद यहाँ से कोई ब्रेक ना लेना पड़े होपफुली, तो आराम आराम से जाएंगे और बीरगंज पहुँचेंगे। आज का लेकिन टारगेट हमारा बनारस है, बीरगंज नहीं, बीरगंज सिर्फ हमने चूज़ किया है कि चल भाई किसे पूछना है तो हम यही बोलेंगे भैया बीरगंज किधर जाना है, बीरगंज। हम लोग मतलब मैं जनरली गूगल थोड़ा सा कम ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि गूगल कई बार आपको ऐसे रास्तों पर ले जाएगा जहाँ पर रास्ते नहीं हैं, और या बन रहे होंगे या फिर बंद हो चुके होंगे ऐसे रास्तों पर भी। उससे बेटर होता है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, पढ़ लें, और अपना दिमाग लगा कर यूज़ करके उन रास्तों पर निकल जाएं। तो चलिए फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। और मैंने अभी अभी देखा बहुत खूबसूरत, इन पहाड़ों के बीच में, या मैं बोलूं पहाड़ों के पीछे जो था, बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दिए। ओहो हो हो, बर्फ़ के पहाड़ मतलब अलग ही एक रोमांच पैदा कर देते हैं कि यार उन पहाड़ों पे लोगों ने चढ़ाई की है, एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, कंचनजंगा पे चढ़ाई की है, कितनी मुश्किल रही होगी यार वो, और क्या लोग रहे होंगे, क्या विल पावर रहा होगा, मतलब टेंसिंग ये लोग हुए, हिलैरी हुए, ये सब लोग अलग ही दुनिया के लोग हैं यार, मतलब अलग पागलपन होगा यार उस टाइम पर उनके दिमाग में। खैर बातें बहुत सी हैं, सफ़र बहुत लंबा है, चलती रहेंगी बातें, चलता रहेगा सफ़र, फ़िलहाल तो रोड को मज़ा ले रहे यार, रोड एक नंबर मिला है ये वाला, ठीक है। थोड़े थोड़े पैचेस रहते हैं, कई बार ख़राब रहती है, लेकिन मज़ा आता है, ठीक है। हमने तो बहुत ही ख़राब सड़कों पर चढ़ाई है, तो फिर ये तो हमारे लिए अभी मक्खन ही है। अभी तो चले आ रहे हैं, पेट्रोल पंप अभी एक भी नहीं मिला है इस पर, बस यही एक दिक्कत मुझे थोड़ी सी लग रही है, बाकी तो सब ठीक है, आगे मिल जाएगा। वैसे ही गाड़ी में पेट्रोल है काफ़ी, तो आई थिंक मैं पहुँच ही जाऊँगा कहीं ना कहीं, तो
और दैट्स ऑल। चले जा रहे हैं, ना मंजिल का पता है ना खुद का पता है, बस ये रोड है और कुछ भी नहीं। सफ़र बड़ा सुहाना है यार, ये रोड ना बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया हाईवे निकला ये वाला अभी तक तो। और सुबह निकला था मैं 5:30 बजे काठमांडू से, अभी दामन नहीं पहुंचा हूँ, दामन पहुंचने में टाइम है। और अभी लगभग मैंने 75 किलोमीटर्स कर लिए हैं और टाइम हो रहा है 8:08, मतलब 2.5 घंटे में सिर्फ कितना चला हूँ मैं, 75। लेकिन बीच में एक दो जगह रुका भी, स्टॉप भी हो रहे हैं, चल भी रहे हैं, रोड्स पूरी घुमावदार हैं, तो स्पीड वही 30-40 के बीच में रहती है। और उसके ऊपर ले जाना भी नहीं चाहिए, सफ़र को एंजॉय करिए। ज़्यादा आप अगर उसमें कुछ छेड़खानी करेंगे तो आपके संग भी कुछ छेड़खानी हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैंने हार्डली अभी तक इस 75 किलोमीटर के सफ़र में, मतलब पिछले 2.5 घंटे में शायद 5 टोटल बस और ट्रक मिलाकर मैंने देखे बड़े व्हीकल्स। छोटे व्हीकल्स तो मतलब रेयरली मैंने देखे होंगे, एक दो मोटरसाइकिल क्रॉस करती रहती हैं, अदरवाइज तो मैंने देखा ही नहीं है। तो ट्रैफिक नहीं है ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप आराम से अपने हिसाब से चले जाते हो, कोई टेंशन नहीं है, बीच में पहाड़ों को एंजॉय कर लेते हो, देख लेते हो, बस और क्या है। अब यहाँ से अगला स्टॉप शायद दामन पड़ेगा, और दामन के बाद फिर शायद एक और जगह है भैंस, कुछ ऐसे ही करके भैंसे ही करके, तो वो है। ये भी कुछ आ गया, बस ऐसे छोटे मोटे गांव आते रहते हैं, इसमें एक दो घर बने होंगे बस, और कुछ भी नहीं है। तो मज़ा आ रहा है बहुत यार, लाइफ इज़ लाइक वेरी गुड, वेरी बेटर। और अभी तक हम ऊपर चढ़े, अब यहाँ से शायद नीचे उतरना चालू होगा, यही है। ये दामन ही आ गया, हाँ लो ये दामन आ गया, दामन मकवानपुर। तो भाई साहब दामन में आपका स्वागत है। दामन किसका है ये दामन, ये दामन है हसीन वादियों का, ये दामन है खूबसूरत पहाड़ों का, ये दामन है इस काली रोड का जो काली जुल्फों सी लहराती हुई चली जा रही है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार एक बात मान गया, लेकिन मैं पूरे नेपाल में सिर्फ एक कंपनी है जो नेटवर्क चलाती है इंटरनेट का, वो है एनसेल। लेकिन मजाल है कि कहीं पर भी आपका नेटवर्क ना आए, और मतलब मुक्तिनाथ पता नहीं कहां कहां पर हर जगह आपको नेटवर्क कभी जाते ही नहीं है यार, कभी नहीं जाता नेटवर्क। 4G बढ़िया मिलेगा, आप चला सकते हो आराम से, और बहुत ही शानदार यार। यहाँ पर एक फ़ोटो खींचना बनता है दामन पर, ये कुछ 2322 मीटर्स पे है, तो एक तो खींच लेते हैं। व्यू टावर भी है साथ में, जा सकते हैं वैसे तो, पर नहीं जाएंगे यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो का हुआ हूँ, ये काली टार करके एक जगह है भैंसे से आई थिंक 5 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर मैंने अभी 12 लूप्स, मतलब जैसे गाटा लूप्स है ना वैसे ही वैसे लूप थे पूरे 12 के 12, एकदम हेयर पिन बेंड्स, मज़ा आ गया क्रॉस करने में। एक चीज़ बहुत अच्छी थी इन लूप्स में, वो ये कि यहाँ पर पूरा ग्रीन है, ग्रीन 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 दिखता रहता है। ये देखो ग्रीन वादियाँ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। और हम चले जा रहे हैं बस अपनी मस्ती में मस्त, और अभी देखते हैं अगला स्टॉप कहाँ पर लेंगे। कहीं पर भूख तो लग रही है हल्की हल्की, थोड़ा सा और तेज़ लगेगी, उसके बाद फिर कहीं पर रुकेंगे। मिलते हैं आपसे आगे रोड पर। वेलकम 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 है आपका हेटोंडा में। हमने अभी तक ट्रैवल कर लिया है 132 किलोमीटर्स इन लाइक कितने घंटे में, 5.5 घंटे में। हाँ 4.5 घंटे तो हो ही गए, 5:30 पे निकले थे, 9:30 से ऊपर हो गया है, 4.5 घंटे। और बिहार की गाड़ी दिखी मेरे को, मतलब हम सही रोड पर जा रहे हैं, यही रूट जाएगा हमारा बीरगंज के लिए। यहाँ से रोड मेरे ख्याल से थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, और अगर रोड चौड़ी है तो हमने फिर फोड़ी है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये जो
पिछले वाला रूट था ना वो शानदार था, ठंड थोड़ा मौसम भी सही था वहाँ पर, 22-24 के आसपास चल रहा था टेम्परेचर, अभी तो देखो यार 35 पहुँच गया यार 35। इसके बाद ना बस गर्मी गर्मी और गर्मी है, बरसेंगे अंगारे रोडों पे हमारे। ओहो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ देख लें यार, एक बार सामने लिखा हुआ है, अरे यार ओ बीरगंज लिखा है 57 किलोमीटर ओनली, बीरगंज 57 मतलब एक घंटे से भी कम लगने वाला भाई, लेट्स गो। चलो क्रॉस करते हैं डोंडा, लेट्स गो टू बीरगंज। अब तो मेरे ख्याल से रोड इतनी चौड़ी रहने वाली है, पेट्रोल लेंगे अब, अभी अपने को नेपाली करेंसी ख़त्म करने का है, नेपाली करेंसी को ख़त्म करने के बाद अपन इंडियन करेंसी का यूज़ करेंगे। इंडियन करेंसी के नाम पे मेरे पास सिर्फ 70 रुपये पड़े हैं, नेपाली करेंसी में कितने पड़े हैं 500, 600, 650 के आसपास कुछ पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेपाल ख़त्म होने से पहले अपन पेट्रोल भरवा लेंगे पूरा, फिर इंडिया में देखेंगे यार, ATM ढूंढना पड़ेगा, फ़ोन पे पेटीएम पता नहीं क्या क्या होगा नहीं होगा पता नहीं यार, पैसे बस निकालने हैं बस कैसे भी करके। मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ओए होए 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 होए। ओके तो फाइनली मैं बैठा हुआ हूँ आमलेट खाने के लिए और एक छोटा सा ब्रेक ले लिया मैंने, कहा अभी 10:30 बज रहा है, रक्सौल यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर्स के आसपास बचा हुआ है, रक्सौल एक बार एंटर करके मतलब इंडिया एंटर करके उसके बाद फिर अपने गूगल सेट करके और सीधे बनारस पहुंचना है। गर्मी स्टार्ट हो गई है बहुत तेज़ पड़ना, बस अभी रिलैक्स करके यहाँ से एक बार थोड़ा सा रिलैक्स मारेंगे थोड़ा सा चिल मारेंगे उसके यहाँ से निकल जाएंगे, फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर मिलेंगे आपसे आगे। और ये देख लो मेरा ऑमलेट भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये है मेरा ऑमलेट, केले भी रखे हैं साथ में, पानी रखा हुआ है वहाँ पर, चार्जिंग पर फ़ोन लगा दिया है, बाकी सब तो बढ़िया है फर्स्ट क्लास है। अब जल्दी से मैं खाता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकलता हूँ। ओके तो बेसिकली मैंने अभी क्रॉस कर लिया है नेपाल को और मैं आ गया हूँ अब इंडिया में, और भैया बहुत गर्मी है, मैंने कहा एक घूंट पानी तो मार ही लें। तो ये है नेपाल का गेट, यहाँ से आगे नेपाल पड़ जाता है और उसके पीछे इंडिया। तो अभी मैं नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ, बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा है। फाइनली ये ट्रिप यहाँ पर अब धीरे धीरे ख़त्म होने को आ गई है, बस अब चलो यहाँ से, अभी 11 बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं और बीरगंज और रक्सौल के बीच में हूँ। ये बॉर्डर भी अच्छा है, भंसार ऑफिस जो है वो एक्चुअली इस गेट को क्रॉस करने के बाद आगे पड़ता है, मैंने जस्ट देखा भी आपके राइट हैंड साइड पर, तो वहाँ पर आप अपना बनवा सकते हैं भंसार परमिट। चलो फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगे रोड पे। मोतिहारी से निकल गए हैं, अभी कुछ खाया नहीं है लेकिन पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, सामने लगा हुआ है इंडिया का झंडा, और अगर सीधे चले जाएंगे तो पटना पहुँच जाएंगे और अगर यहाँ से मुड़ेंगे तो लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो याद रखिएगा रक्सौल से अगर आ रहे हैं मोतिहारी की तरफ इस ब्रिज के नीचे से आपको मुड़ जाना है, ये ब्रिज हमको पहुँचा देगा लखनऊ वाले रूट पर जो कि हमारा ठिकाना है, और सीधे आओगे तो पटना पहुँच जाओगे, हमको यहाँ से मुड़ना है लेकिन दोनों तरफ देख के। और अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, कहीं पर अच्छे से रेस्टोरेंट मिल जाए बस एसी वाला, उसमें बैठ के आराम से अपन को खाना खाना है यार, मेन है बस खाना 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 बोलिए खाना। चलो भाई ये अपने पकड़ लिया लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे, अब देखते हैं लखनऊ पहुंचते हैं इससे या पहुँचते हैं बनारस, कहीं ना कहीं तो कटे आएगा बीच में, पर ठीक है यही रूट है यही फॉलो करना है। मिलते हैं आपसे आगे, कहीं खाना वाना खाएंगे रुकेंगे तो फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और आ गया हूँ मैं समझ लो गोपालगंज से 50 किलोमीटर कुछ पहले बैठा हुआ एक ढाबा है और रॉन्ग साइड पे, अगर आप मोतिहारी से आ रहे हैं तो वो रॉन्ग साइड पे पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे आके मैंने चंदन ढाबा करके है, ये अच्छी जगह है, उसमें लगा एसी लगा हुआ है, तो मैं खाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया हुआ है क्या रोटी और भिंडी की सब्जी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा है तो अच्छा है, ठीक है खाना खा सकते हैं कम से कम ये है। तो बस अब इसके बाद खाने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और ये देखिए बढ़िया दही भी आ गया, और ये है जिन्होंने हमें ये सर्व किया है, क्या नाम है अंकल जी आपका? बच्चूलाल यादव। हाँ बच्चूलाल यादव, बच्चूलाल यादव इनका नाम है, बताइए यादव जी ने आज हमें खिला के धन्य कर दिया हमें, तो बहुत बहुत थैंक यू है इनका, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको खाना खाना है नेशनल हाईवे 27 पर तो यहाँ पर रुक के आप स्टॉप ले सकते हैं,
अच्छी जगह है, फैमिली रेस्टोरेंट है और एसी भी लगा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी खाने के लिए। मिलते हैं आपसे रोड पर। और ये लीजिए भाई, आ गए हम सिवान। हो बढ़िया रोड था यार, मतलब ये जो रोड है ना, टू लेन है, फोर लेन तो नहीं है। NH 27 से हम कट गए थे पहले ही गोबलगंज से, आई थिंक 30 किलोमीटर कुछ पहले हम लोग कट जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो सिवान रोड आप पकड़ लीजिए। और सिवान से जो है, अब गूगल दिखा रहा है कि यहाँ से हमको कहीं से एक राइट टर्न लेना है जो कि सीधे पहुँचा के गाजीपुर। गाजीपुर में टाइम दिखा रहा है 4:11 दिखा रहा है, मतलब अभी 3 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक गाजीपुर, शायद 9 बजे तक बनारस पहुँच जाना चाहिए। गाजीपुर से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। मुझे एक रूट याद नहीं आ रहा है, मैं पता नहीं लास्ट जब भूटान गया था तो बनारस से गाजीपुर और गाजीपुर से सीधे मुजफ्फरपुर मैंने पकड़ा था, वो बीच में कोई शॉर्टकट था, उसके लिए गूगल मैप का सहारा नहीं लिया था, उसके लिए मैंने जो मैप्स आते हैं ना उसका सहारा लिया था, लेकिन पता नहीं वो मेरे को याद नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। इसलिए व्लॉग्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे आपको रास्ते याद रहते हैं। अब ये मुझे रास्ता याद रहेगा, तो चलिए फिर आगे से मुड़ने का इंतज़ार करते हुए, मेरे ख्याल से यही वो बाईपास है जिसके लिए गूगल ने बोला है मुड़ने के लिए, तो यहाँ से मुड़ जाते हैं हम। फिलहाल तो गूगल ही खुद कंफ्यूज चल रहा है। ये है इलाका सिवान, और क्या जी, ये बिहार और यूपी का मतलब बॉर्डर है ये सब, सिवान हुआ, आरा हुआ, छपरा हुआ, बक्सर हुआ, ये सब। तो यहाँ से हमने ले लिया ये राइट टर्न और अब जा रहे हैं हम ये बाईपास पकड़ के गाजीपुर की तरफ। बहुत ही बढ़िया, क्या शानदार खूबसूरत शॉट खेला है इन्होंने। चलिए मिलते हैं आगे। ओ भैया, क्विक अपडेट ये है कि आज गूगल ने गूगली करवा दी आदित्य सिंह की, मतलब एडवेंचर सिंह की। एक ऐसी जगह पर ले आके छोड़ दिया था मुझे जहाँ पर कोई पुल नहीं था और गूगल ने बोला इसको पार करो और तुम्हारी मंजिल 200 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से मैंने टर्न लिया, वापस आया मांझी, जगह है जहाँ से अब मैं जा रहा हूँ बनारस की ओर। तो मेरे बहनों और भाइयों, एक बार रूट मैं रिवाइज़ करता हूँ आपके लिए। इतना पेन लिया मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये पूरा रूट एक्सप्लोर किया है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है। ये जो नदी है ना, घाघरा नदी है, इसी को क्रॉस करना है तो वहाँ पे पीपा पुल है जो कि बह गया था, तो नाव से बाहर करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप एक काम करें, काठमांडू से उतरते हैं रक्सौल, रक्सौल से उतरते हैं तो सीधे सिवान, सिवान से आइए सीधे छपरा, और छपरा से आइए ये वाला जो पुल पड़ता है, छपरा से आप आएंगे तो आपको ये वाला पुल मिलेगा राइट हैंड साइड पर, मांझी करके जगह है, वहाँ से आप ऊपर चढ़ जाइए। बेटर, सबसे बेस्ट रूट बस यही रहेगा आपके लिए, बता दूँ। और यहाँ से सीधे रहेगा बनारस, यहाँ से बलिया 50 है और आई थिंक वहाँ से फिर शायद 150 के आसपास बनारस होगा। बस आप बनारस पहुँच जाएंगे आज। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, भैया नहीं सोचा था इतना खतरनाक गुगली होगी यार, क्या क्या करवाते भैया गूगल। अब कभी पछड़े में नहीं पड़ूंगा मैं गूगल के भैया, लोगों से पूछो, दिमाग लगाओ। और सबसे बढ़िया वो जो मैप होते थे पुराने ज़माने वाले, उनको देख के चलो। मैं याद है भूटान गया था ना, मैं उसी मैप से गया था और सही पहुंच गया था। ये गूगल, जब भी मैं आता हूँ ना, गूगल ना बैंड बजवा देता है, हमेशा ऐसे पे खड़ा कर देगा, लो पार कर लो। अरे कहाँ से पार कर लो, ना पुल है ना कुछ है, सिर्फ एक नाव वाला है और उस नाव में ले जा रहे हैं, मालूम पड़ा कि यार टाइम लग रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। खैर जो भी है, जैसा भी है, अपन तो अब बलिया में एंटर कर रहे हैं। भैया मुझे याद आ गया, बलिया वाला रूट था वो जो मैं आया था एक बार भूटान के लिए। यस करेक्ट, ट्रकों की लंबी कतार तब भी थी और आज भी है। ओ भैया, ओ भैया, चल मेरे भैया, पहुंच जाएंगे आज काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में, जहां मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरे बचपन का प्यार मुझे कर रहा है इंतज़ार। ओ अभी आगे रुकेंगे, कहीं चाय पियेंगे और थोड़ा पानी भी पियेंगे, बहुत जम के प्यास लग रही है, बहुत जम के प्यास लग रही है वाकई में, मतलब गला सूख चुका है अब। 5 बज रहे हैं शाम के, 2, 7, 8, 8:30, 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए मुझे लग रहा है। 4 घंटे लगेंगे यहाँ से बनारस पहुंचने के। दैट्स ऑल, अभी का अपडेट सिर्फ इतना ही है, रूट बस याद रखिएगा, लेकिन आपके भाई ने आपके लिए इतना पेन लिया है, याद रखिएगा रूट, जब भी आप आएँ वीडियो को देख लें और आ जाएँ, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सब ठीक है। और ये है भाई मंगल पांडे की नगरी,
महर्षि भृगु उनकी भी नगरी। लो जी खा लो दलिया, क्योंकि आ गया है बलिया। बलिया में एंट्री हो रही है हमारी, 6:07 हो रहे हैं शाम के। तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है, चौथे गियर में, और ऑल ओवर ट्रिप के 2027 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तो राइड बहुत बाकी है, आज बनारस पहुंचना है। बनारस अभी भी आया नहीं है, बलिया आया है अभी तो। बलिया से फिर गाजीपुर जाएंगे और गाजीपुर से आएगा बनारस। प्रॉब्ली 8-9 बजे के आसपास पहुंचेंगे, वो अच्छा टाइमिंग रहेगा घुसने का, क्योंकि तब तक ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शायद मैं सही टाइम पर चल रहा हूँ, और रूट मैं अपडेट कर चुका हूँ, बाद में एक बार अपडेट और दे दूँगा। जो रूट से अगर कोई आना चाह रहा है कि काठमांडू से एक ही दिन में बनारस आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है। मैंने भी ट्राई किया है और मैं एक दिन में पहुंच गया हूं बनारस। यस, पहुंच ही जाऊंगा बनारस एक दिन में, मतलब मुझे 12 घंटे हो गए। वैसे 6 बज गया है, सुबह निकला था 5:30 बजे, अभी 6 बज गया है। आधा घंटा या एक घंटा समझ लो बीच में मेरा ख़राब हुआ है वो गूगल माता के चक्कर में, अदरवाइज सबसे बढ़िया रूट वही है। रक्सौल आओ, रक्सौल के बाद आप आ जाओ सीधे मोतिहारी वाला बाईपास पकड़ के, आप उतरो सीधे सिवान, सिवान से उतरो छपरा, और छपरा से आ जाओ सीधे मांझी होते हुए बलिया। छपरा और बलिया याद रखो, बस सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जाना है इसी रूट से, आना है तो इस रूट से आना है। सुनौली वाला रूट भी है सर्किट, अगर किसी को इंटरेस्ट है करने में तो वैसा वो कर सकता है। चलो यार जरा बलिया को क्रॉस करें, उसके बाद आगे बात करें। भैया 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 भैया, यूपी में लोग खतरनाक है, लेकिन भाई 2-3 बार मुझे खतरनाक एक्सपीरियंस हो गए अभी तक। पूछना पड़ेगा अब कहाँ जा रहा हूँ, सही आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। ये देखो बीच में, मतलब कोई हिसाब नहीं है भाई, बिहार में और यूपी में कोई हिसाब नहीं है गाड़ी चलाने का, कोई भी कहीं आ सकता है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। और फाइनली हम आ गए हैं बनारस, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक, काठमांडू से काशी तक। हमने ये सफ़र तय कर लिया है 621 किलोमीटर, समझ लो 630 किलोमीटर के आसपास, 640 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। रात के 9:10 हो रहा है, और इस तरीके का सफ़र बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, इसीलिए हम सोलो करते हैं। सोलो क्यों करते हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि हम एकदम निर्दयी, क्रूर, दुष्ट लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जब राइड करते हैं। तो ना भूख है ना प्यास है, चले आ रहे हैं करते हुए बकवास। भाई कसम मज़ा आ गया, लेकिन बस अब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और है बनारस। बनारस पहुँच जाएंगे आज, आराम करेंगे बनारस में, कल का कल देखेंगे, कुछ सोचा नहीं है। अभी देखते हैं कि कल का शेड्यूल क्या है, कल सुबह निकलना है, दोपहर निकलना है, या रात निकलना है, या परसों निकलना है, पता नहीं चल रहा है कुछ भी, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 8 घंटे का सफ़र है। मिलते हैं आपसे जब भी हम मुलाकात हो, तब तक के लिए जय हिंद।